केंद्र सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण का आरोप लगा। बैंकों के 10 लाख कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दौरान हरियाणा के रोहतक में SBI बैंक के बाहर बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कर्मचारी बोले कि सरकार निजी बैंकों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उन्होंने दो दिन की हड़ताल की है, अगर सरकार नहीं मानी तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो सकती है। कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के बजट के दौरान केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने दोनों सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात रखी थी और यही नहीं, बैंकों का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन बाद में पता चला कि 4 सरकारी बैंकों का केंद्र सरकार निजीकरण करने जा रही है, जिससे बैंक के कर्मचारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी बैंक का निजीकरण कर प्राइवेट बैंकों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार इसमें बैंकों का नहीं आम जनता का नुकसान कर रही है, क्योंकि आम जनता का पैसा प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल के दौरान जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो दो दिन की हड़ताल अनिश्चित काल में भी बदल सकती है।